दोस्तों कल के वीडियो में हम लोगों ने डेथ ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट किया था और उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस करे थे आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 फोर से आगे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिस हो जाएंगे आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर पहले क्वेश्चन को खूब अच्छी तरह से हम लोग रीड करेंगे फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे द बैलेंस शीट ऑफ सिंधु राहुल एंड कमलेश वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ थ्री इज़ टू थ्री इज टू फोर रिस्पेक्टिवली एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज एज फॉलो जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो तीनों पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा जिस भी पार्टनर की डेथ हो रही हो उससे पहले ये तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा पुराने रेशियो में इधर हमको अड़सठ दिए थे लाइबिलिटीज दी हुई थी सिंधु की डेथ हो जाती है ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी तो बैलेंस शीट कब की है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी डेथ कब हो रही है जुलाई में तो कितने महीने हो गए अप्रैल मई जून जुलाई चार महीने चार कंप्लीट महीने हैं द तो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट टू इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट थ्री इयर्स, व्हिच वर 80,000. तो पिछले तीन साल का एवरेज प्रॉफिट 80,000 ऑलरेडी आपको दिया हुआ है फिर क्या कहता है सिंधुज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वॉज टू बी कैल्कुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ठीक है सेल्स के बेसिस पे उसका कैलकुलेट करना है प्रॉफिट डेथ की डेट तक का सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 8 लाख and that from 1st april to 31st july 2020 2023 lakh the profit for the year ended 31st march 2020 was 2 lakhs the interest on capital was to be provided at the rate 6% per annum prepare sindhu's capital account to be rendered to his executors to तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है तीन पार्टनर्स बता दिए गए हैं हम लोगों को यहाँ पे सिंधु राहुल और कमलेश रेशियो दिया हुआ था इनका थ्री इज टू थ्री इस टू फोर तो थ्री बाई टेन इज टू फोर बाईन हमारा हो जाएगा अभी हमें क्या करना है कैलकुलेशन ऑफ सिंधु शेयर ऑफ गुडविल करना है तो गुडविल ऑफ़ दर्म एट्टी थाउजेंड बताई गई थी टू ईयर्स परचेज बोला है तो टू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे वन लाख सिक्सटी थाउजेंड निकल करके आ जाएगा सिंधु शेयर वन लाख सिक्सटी थाउजेंड में थ्री बाई टेन करेंगे हम ठीक है सिंपल दिया हुआ है तो थ्री बाई टेन आप कर दीजिए 48,000 आ जाएगा नया रेशियो कितना हो जाएगा थ्री बाई फोर क्योंकि नया रेशियो ऐसा सच कुछ दिया ही नहीं है पुराने ही रेशियो में कन्वर कंटिन्यू करेंगे पार्टनर्स तो थ्री बाई फोर है आप गेनिंग रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे तो आपका थ्री बाई फोर निकल आएगा अब ध्यान से समझ लीजिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन uh, में ये चीज़ मैंशन करी गई है कि आपको जो भी नई जो भी आपका ये निकल करके आया है फोर्टी एट ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कॉम्पनसेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को किस रेशियो में गेनिंग रेशियो में तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फिर क्वेश्चन में आपको जनरल रिज़र्व दिया हुआ है तो जनरल रिज़र्व आप बांट करके ख़त्म करेंगे जनरल रिजर्व एस आर के मैंने कर दिया है लिखने में थोड़ा टाइम सेव करने के लिए सिंधु राहुल एंड कमलेश के लिए ठीक है यहाँ तक तो ये हमारा कंप्लीट हो गया इसके आगे हमें देखना है कि कैलकुलेशन ऑफ सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें देखना है वो हम कैसे करेंगे ये हम कर सकते हैं इस तरीके से कैलकुलेशन ऑफ सिंधु शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स निकालेंगे हम तो पिछले साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पिछले साल की सेल लास्ट ईयर सेल इन टू हंड्रेड करा ट्वेंटी फाइव परसेंट आ गया ठीक है अब पहली अप्रैल से लेकर के इकतीस जुलाई तक हमारा कितना दिया हुआ है तीन लाख रुपये प्रॉफिट दिया हुआ है सॉरी तीन लाख रुपये सेल्स दिया है इस पर एवरेज पच्चीस परसेंट जो हमने कैलकुलेट करा हुआ है रेशियो वो हम निकाल लेंगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड आ गया सेवेंटी फाइव थाउजेंड तीनों पार्टनर्स का है तो सिंधु का शेयर उसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे थ्री बाई टेन कर देंगे कितना आ जाएगा ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये स्क्रिबलिंग को इग्नोर कर दीजिए आप लोग ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब उसके बाद एक कैपिटल अकाउंट बना लीजिए आप लोग प्लीज़ लाइन खींच करके बनाइएगा मैंने टाइम सेविंग के लिए इस तरीके से बनाया हुआ है सिंधुज कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस हम यहाँ पर लिख देंगे बी डी एक लाख बीस हजार जनरल रिजर्व में शेयर राहुल का कैपिटल और कमलेश की कैपिटल के थ्रू जो गुडविल मिल रही है और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्या है ये जो अभी प्रॉफिट कैलकुलेट करा गया टिल द डेट ऑफ डेथ चौबीस सौ आ गया लोन का वैल्यू बैलेंस शीट में ऑलरेडी दी हुई है और जो डिफरेंस निकालेंगे आप इधर का और इधर का ये कितना आ जाएगा टू सिंधु एग्जीक्यूटर अकाउंट यहाँ पे इतना करने के बाद आप दोनों साइड का डिफरेंस निकालिए आपका वन लैक सेवेंटी फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड आ जाएगा ठीक है ये आपका हो गया सिंधुज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट का बैलेंस ये देखिए आंसर में भी यही चीज इसका दिया हुआ है ठीक आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव देखते हैं ए बी एंड सी व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो फाइव इज टू थ्री टू टू द बैलेंस शीट एज एट थर्टी फर्स्ट थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी वॉज एज फॉलो

अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट ट्वेल्व परसेंट पान शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ फोर ईयर परचेज ऑफ लास्ट ईयर्स एवरेज प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर द ईयर टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी एट थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड सेवन थाउजेंड रिस्पेक्टिवली प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स ठीक है आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ए बी सी फाइव थ्री टू दिया था फाइव बाई टेन थ्री बाई टेन टू बाई टेन हो गया ए की डेथ हो गई थर्टी एथ नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी ये सब गिवन चीज़ें हैं फ्यूचर प्रॉफिट फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो जो दिया है बी और सी का वो सेवन बाई थ्री है मतलब सेवन बाई टेन और थ्री बाई टेन गेनिंग रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया फोर इज टू वन अभी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं ए का कैपिटल हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो चौबीस हज़ार दिया हुआ है चौबीस हज़ार पर हमने बारह बाई दस किया बारह परसेंट बोला हुआ है क्वेश्चन में इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व क्यों क्योंकि छः महीने के लिए अप्रैल से लेकर के सेप्टेम्बर तक कितना आ गया वन तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया अब हम कैलकुलेट करेंगे शेयर ऑफ गुडविल शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा पिछले तीन साल का प्रॉफिट हमें दिया था उसका हमने टोटल करा थ्री से डिवाइड किया नाइन थाउजेंड आ गया फोर इयर्स ऑफ परचेज बोला है थर्टी सिक्स थाउजेंडलिंग इग्नोर कर दीजिएगा आप लोग थर्टी सिक्स थाउजेंड का फाइव बाई टेन निकाल लेंगे 5 by 10 क्या दिया हुआ? का है। तो आ जाएगा। अभी कैसे निकलेगा? इसको ध्यान से समझ आप हजार तो ये अट्ठारह हजार तो आपका गुडविल हो गया ठीक है अभी शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बोला था लास्ट ईयर का प्रॉफिट कंसिडर करा जाएगा तो लास्ट ईयर जो था उसका प्रॉफिट कितना था सात हजार इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व करेंगे इंटू फाइव बाई टेन सिक्स बाई ट्वेल्व आपका छः महीने के लिए और फाइव बाई ट्वेल्व क्यों जो हमारा डिसीज पार्टनर है जिसकी डेथ हो रही है ए उसका शेयर फाइव बाई टेन है कितना आ गया वन सेवन फाइव जीरो इसकी आप चाहें तो कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं मैंने अलग अलग किया है थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा ये बी लिखा हुआ है बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड वन डबल फोर डबल जीरो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड थ्री सिक्स डबल जीरो टू एज कैपिटल वन एट ट्रिपल जीरो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे कहा गया है बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल वन फोर डबल जीरो थ्री फाइव जीरो वन सेवन फाइव जीरो ठीक है इसकी आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं मैंने अलग अलग कराया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके ए का कैपिटल अकाउंट बनाया है आप लोग लाइन खींच के कायदे से बनाइएगा मैंने सिर्फ टाइम तो सेव करने के लिए जल्दी करा है बाय बैलेंस बी डी ट्वेंटी फोर थाउजेंड बाई बीस कैपिटल सीज कैपिटल मतलब ये पूरा हमने Uh, इधर सारी चीज़ें लिख दिए प्रॉफिट और गुडविल का हिस्सा रिजर्व में उसका शेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट ये भी जाएगा भाई उसको उसके अकाउंट में डेबिट करा जाएगा और जो डिफरेंस निकलेगा दोनों साइड का वो उसके कहाँ चला जाएगा एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट फोर्टी फोर थाउजेंड वन यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देख लेते हैं राम घनश्याम एंड वृंदा व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 431 द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन थर्टी मार्च एवरी ईयर ऑन फर्स्ट फेब 15 घनश्याम डाइड एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम एंड वृंदा विल बी इक्वल द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर ठीक है जिस दिन डेथ हुई है किसकी डेथ हो रही है ध्यान से देखिए घनश्याम की डेथ हो रही है फर्स्ट फेब को हो रही है वो भी दो ध्यान से समझते चलिएगा 2015 हजार पंद्रह को हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रिएटेड क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस फोर कंप्लीटेड ईयर्स द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट फोर ईयर्स व दस ग्यारह में एक लाख बीस हजार ग्यारह बारह में अस्सी हजार बारह तेरह में चालीस हजार एंड तेरह चौदह में अस्सी हजार ये दिया हुआ है तो आपका जो लास्ट कंप्लीट ईयर कम्प हो रहा है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है वो है तेरह चौदह और डेथ कब हो रही है पहली फेब को मतलब दस महीना फेब और मार्च नहीं इंक्लूड करा जाएगा पहली फेब है इसलिए फेब नहीं इंक्लूड होगा हम सिर्फ जान तक लेंगे थर्टी फर्स्ट जैन तक तो टेन मंथ्स हो गया हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ वाज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट टू इयर्स पिछले दो साल के प्रॉफिट के बेसिस पे शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करा जाएगा किसका जो इस पार्टनर की डेथ हुई है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू गुडविल एंड प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू घनश्याम्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो शो योर वर्किंग क्लियरली आइए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिए ये तो गिवन है घनश्याम राम वृंदा फोर थ्री वन फोर बाई एट थ्री बाई एट वन बाई एट फर्स्ट फेब को घनश्याम की डेथ हो जाती न्यू रेशियो वन इज टू वन बोला गया है क्वेश्चन में बता दिया गया अब कैलकुलेशन ऑफ घनश्याम शेयर ऑफ गुडविल हमें करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे पिछले तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे ठीक है उसको ऐड करने के बाद कितना आ गया तीन लाख बीस हजार आ गया घनश्याम शेयर इन द लास्ट फोर ईयर्स चार साल का है सॉरी मैं कह रहा था तीन साल चार साल का है तो ये ऑलरेडी आपको जो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया हुआ है ये चीज बोला हुआ है कि ये जो प्रॉफिट्स दिए थे द फर्म्स प्रॉफिट इसको ध्यान से समझिए इस चीज को हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस फोर कंप्लीटेड ईयर्स इसमें कहीं पे भी एवरेज प्रॉफिट या ये सारी चीजों के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो कंप्लीटेड बोला है तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा तो चार साल का हो गया तीन लाख बीस हजार तीन लाख बीस हजार में हम क्या करेंगे थ्री बाई एट निकालेंगे भाई घनश्याम का शेयर कितना है थ्री बाई एट कितना आ गया वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड घनश्याम शेयर ऑफ गुडविल ठीक है अब घनश्याम शेयर ऑफ गुडविल एक लाख बीस हजार इन टू वन बाई टू अब आप देखिए क्वेश्चन में अगर इसको देखेंगे आप तो कहता क्या है हे शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ये तो हो गया हमारा इसके बाद अगर आप ये देखते हैं कि हिज शेयर ऑफ गुडविल भी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस फोर कंप्लीटेड ईयर्स ठीक है तो यहां पर ये थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे हो गया है ये प्रॉफिट का हिस्सा है और ये गुडविल है ठीक है तो अगर हम करेंगे जैसे कि यहाँ पे दो साल बोलता है पास्ट टू इयर्स तो पिछले दो साल को अगर आप करेंगे तो चालीस हज़ार और अस्सी हज़ार हो जाएगा एक लाख बीस हज़ार उसका आपने क्या करा हाफ़ बोला है तो वन बाई टू आपने कर दिया तो कितना आ गया सिक्सटी थाउजेंड आ गया देखिए गुडविल के लिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया था पिछले चारों साल का प्रॉफिट ऐड करिए और उसका थ्री बाई एट निकाल देंगे और प्रॉफिट के लिए कहा गया पिछले दो साल का और उसको वन बाई टू कर देंगे वन बाई टू क्यों करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हाफ़ बोला गया है ठीक है अभी उसके बाद हमें क्या करना है यहां पे कैलकुलेट करना है घनश्याम शेयर ऑफ गुडविल बी कंट्रीब्यूटेड बाय राम एंड वृंदा इन देयर गेनिंग रेशियो तो गेनिंग रेशियो में देखिए राम का तो कुछ नहीं आ रहा है जीरो है लेकिन वृंदा का थ्री बाई एट है तो ओनली वृंदा इज गोइंग गेनिंग एंड हेंस ओनली वृंदा विल गिव तो घनश्याम शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा प्रॉफिट फॉर लास्ट टू ईयर्स पिछले दो साल का प्रॉफिट दिया हुआ है चालीस हजार और अस्सी हजार ठीक है तो एक लाख बीस हज़ार ये ऑलरेडी उधर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं लेकिन फिर से एक बार यहां पे कर रहे हैं तो ये आपका एक लाख बीस हजार को स्टार्ट हो गया ये सिक्सटी थाउजेंड ठीक है ये सिक्सटी थाउजेंड वो इनकम्प्लीट था यहां ध्यान से समझिए ये सिक्सटी थाउजेंड जो है ये आया है इसको आप टेन बाई ट्वेल्व करेंगे पहले नाइन मंथ्स का करेंगे इसको यहां इग्नोर कर दीजिएगा इस पार्ट को आप लोग यहां पर इग्नोर कर दीजिए ठीक है हम लोग यहां से इसको लेकर के चलते हैं ये आपका टेन बाइ ट हो जाएगा इंटू थ्री बाई एट क्यों करा क्योंकि हमारा घनश्याम का शेयर इतना था तो अठारह सात सौ पचास आ जाएगा फिर वृंदास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू तो घनश्याम हम करेंगे सेवन एट सेवन फाइव जीरो सेवन एट सेवन फाइव जीरो क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन देखेंगे ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म ए डाइड ऑन थर्टी फर्स्ट थ्री एटीन एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वॉज एज अंडर ये हमें पूरी बैलेंस शीट दी हुई है ठीक है अभी क्या दिया हुआ है इसमें देखिए वर्कमेन कॉम्पन्सेशन है जनरल रिजर्व है प्रॉफिट एंड लॉस है तो हमें देखना पड़ेगा कि वर्कमेन कॉम्पेंसेशन पे कोई लाइबिलिटी है कि नहीं और जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस तो डिस्ट्रीब्यूट होकर के खत्म करा जाएगा तीनों पार्टनर्स में आगे कहता क्या ऑन एज डेथ इट वॉज फाउंड दैट द पेटेंस वर वैल्यूरेस रिवेल्यूशन करा जा रहा है फर्नीचर्स वर टू बी ब्रॉड डाउन टू ट्वेंटी फोर थाउजेंड प्लांट्स वर टू बी रिड्यूज बाय टेन थाउजेंड एंड दे वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ सेवन थाउजेंड ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमेन कॉम्पन्सेशन ठीक है ये सारी चीज़ दी हुई है आइए देख लेते हैं कैसे करना है इसको ए बी सी दिया है ए डाइड ऑन थर्टी फर्स्ट थ्री टू थाउजेंड एटीन इसका रिवालुएशन बनेगा देख लीजिए बहुत ईजी है बहुत आसानी से बन गया है टू पेटेंट्स टू फर्नीचर्स टू प्लांट एट थाउजेंड सिक्स थाउजेंड टेन थाउजेंड फिर इसका लॉस आ जाएगा ट्वेंटी फोर थाउजेंड का और फिर इसके बाद आप क्या करोगे एज कैपिटल अकाउंट बना लोगे बाय बैलेंस फोर्टी थाउजेंड बाई जनरल रिजर्व थ्री थाउजेंड बाई वर्कमैन कॉम्पन्सेशन वन थाउजेंड प्रॉफिट एंड लॉस टू थाउजेंड रवेलिएशन यहां पे आपका जो दिया हुआ है वो आठ हजार का लॉस आ गया है और जो डिफरेंस आया है वो एग्जीक्यूटिव अकाउंट में थर्टी एट थाउजेंड आपका चला गया ठीक है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट क्या कहता है ए बी सी डी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉस रेशियो फाइव थ्री टू टू इज टू टू बी डाइड ऑन फर्स्ट मार्च फिफ्टीन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट सिक्स ए सी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री इजी क्वेश्चन है कट से सॉल्व हो जाएगा देख लीजिए क्या करना है यहाँ पे ए बी सी डी दिया है रेशियो इन लोगों का दिया है बी डाइड ऑन फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन कर दिया गया गुडविल इज वैल्यूड एट सिक्स लैक्स फ्यूचर रेशियो इक्वल ए सी डी ये दिया हुआ है इक्वल बोला है तो ए सी डी वन एस टू वन एस टू वन हो गया अब आप देखिए जब आप गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो ए का माइनस वन बाई ट्वेल्व आएगा और बाकी टू इज टू बाई ट्वेल्व टू बाई ट्वेल्व आ जाएगा मतलब वन इज टू वन गेनिंग रेशियो हो गया इसका नेगेटिव हो गया क्या करना है मैं बताता हूँ आपको गुडविल छः लाख रुपये में थ्री बाई ट्वेल्व आपने करा भाई बी की डेथ हो रही है तो थ्री बाई ट्वेल्व उसका शेयर है आपने कर दिया एक लाख पचास हज़ार आ गया अब ध्यान से देखिए छः लाख का ये वन बाई ट्वेल्व निकालेंगे ये किसके लिए कर रहे हैं ये आप ए के लिए कर रहे हैं क्योंकि उसका नेगेटिव आया था तो पचास हजार हो गया मतलब ए को भी पचास हजार देना है तो इस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फिफ्टी थाउजेंड बी का कैपिटल अकाउंट डेबिटेड वन लाख फिफ्टी थाउजेंड ठीक है अब दो लाख हो गया और ये सी और डी एक एक लाख दे देंगे क्यों क्योंकि वन इज टू वन उन लोगों का रेशियो बोला गया ये सिंपल सा है आइए एक क्वेश्चन और आज हम लोग देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन रीता आर एन एम कर लीजिए आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ थ्री इज टू टू इज टू वन एम डाइज ऑन फर्स्ट अप्रैल सेवनटीन ऑन ऑन ऑफ हर डेथ इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू गुड विल ऑन द बेसिस ऑफ टू ईर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द लास्ट थ्री ईयर्स इधर हमको दिया हुआ है बहुत सिंपल है यह बोला गया है इस साल के प्रॉफिट में बोला गया तीस हजार इंक्लूडेड गेन ऑफ स्पेलेशन ऑफ टेन थाउजेंड तो ये माइनस कर दिया जाएगा एब नॉर्मल प्रॉफिट है वेट्स दिए हुए हैं और इधर आपको प्रॉफिट दिया है बहुत ही इजी है बहुत जल्दी सॉल्व होगा ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें ये देखिए हमने सिर्फ इसका मैं शेयर बता दूंगा बाकी अगर कुछ और एंट्री वगैरह करनी वो आप लोग कर सकते हैं बहुत सिंपल है ये देखिए ये प्रॉफिट दिया हुआ है ठीक है तो आप तीस था उसमें से दस माइनस कर देंगे बीस हो जाएगा और यहाँ पे वन टू थ्री दिया हुआ है ठीक है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बीस हज़ार एक लाख साठ हज़ार तीन लाख चार लाख अस्सी हज़ार चार लाख अस्सी हजार को छः से डिवाइड करा क्यों क्योंकि वेट से अस्सी हज़ार आ गया अस्सी हज़ार इंटू टू कर देंगे यहाँ पे जो बताया गया जैसा क्वेश्चन में टू इयर्स परचेज बोला था तो इंटू टू हो गया एक लाख साठ हजार मित्रा शेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा मीता शेयर एक लाख साठ हजार इंटू वन बाई सिक्स कराइए आपका शेयर आ गया अब आगे की एंट्री आप लोग पास कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ मैं तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही आज हम लोगों ने कवर किया है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर फोर्टी फाइव 46 तक हम लोगों ने कवर कर लिया है और 47, 48, 49 तक कर लिया है काफ़ी क्वेश्चंस आज हम लोगों ने इजी क्वेश्चंस थे तो कवर हो गए और जल्दी जल्दी इसी हो गया कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 से और उसके आगे सारा कंप्लीट करेंगे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसे सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन दबाएँ ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आप मेरे जबरदस्त ब्लॉग्स एनिमेशन स्केचेज रिव्यूज़ वॉइस ओवर नरेशन स्टॉप मोशन एनिमेशन इन्जॉय करना चाहते हैं तो मेरा चैनल क्रिएटिव ह्यूमन सब्सक्राइब करिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों अगर आपके कोई कॉमेंट्स हैं कोई डाउट है तो कॉमेंट करके ज़रूर पूछिए और अगर कोई सजेशन है जिससे कि मैं इन वीडियोस को और बेहतर बना सकूं, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा मेरी पूरी कोशिश होगी वैलिड सजेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही कल फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए बाय बाय